एवरीवन, हम आ गए आज हमारे फिनाले में और आइए पूछते हैं हमारे कंटेस्टेंट से कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो हाय, क्या नेम है आपका? अन्नू। मेरा नाम मानशु है। मेरा नाम अरबाज खान है। मेरा नाम है इबूराज। माय नेम इज यशिका। मेरा नाम मोहम्मद अमन है। माय नेम इज कार्तिक है। मेरा नाम गर्व है। तो अभिषेक, अभी तक की आपकी सेलिब्रिटी फेस की जर्नी कैसी रही? भाई मेरी जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही है, मस्तीफुल रही है। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब मैं चाहता हूँ आप सब भी देखें, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ट्राई करने को मिलती है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो आप सीख कर आगे अपनी लाइफ को पुशअप कर सकते हैं एक्टिंग एंड मॉडलिंग में। हिमांशु, हमें पता चला था कि यहाँ पे हमारी फॉरनर मॉडल आई थी जिनके साथ आपने रैम वॉक करा और उसकी ट्रेनिंग ली थी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम तो अमेजिंग थी, यानी कि कहने का मतलब ये कि मैम तो अमेजिंग थी बल्कि हमको भी बहुत सारी टिप्स देंगी कि ये वो, मतलब ऐसे एक्टर टिप्स देते हैं ना, वो ऐसे टिप्स देंगे कि मतलब एक्सपीरियंस एकदम सुपर। उसका एक्सपीरियंस भी बहुत हमारा अच्छा रहा। उन्होंने हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि रील्स ज़्यादा वायरल कैसे करते हैं, हैशटैग, टाइमिंग एंड एवरीथिंग्स। उन्होंने बहुत अच्छा हमको समझाया। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो आज भी आएंगे और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन भी मैं अपना 100% दूँ, इस सीज़न का मुझको विनर बनना है। गेट सेट। अभी तुषार सिलावत आ रहे हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं? Yeah, I'm super duper excited. Okay, you are super duper excited. And last but not the least, हमारे इंटरनेशनल मॉडल के साथ आपको ग्रूमिंग सेशन का मौका मिला, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? It was a fantabulous opportunity. सब बहुत कुछ सीखने को मिला साहिल सर से, उन्होंने बहुत कुछ बताया रील्स को लेके, अपने मतलब करियर को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब जैसी वो मोटिवेशन स्पीच वगैरह दे रहे थे बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने सारी टिप्स वगैरह दी कि आपको किस टाइम पे अपलोड करनी चाहिए वीडियो और कैसे अपलोड करनी चाहिए, कौन सी ऐप से एडिटिंग वगैरह करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहा। इंटरनेशनल मॉडल आई थी, उन्होंने भी मतलब उनके साथ रैम वॉक भी की थी, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ रैम वॉक करके। और बहुत एक्सपीरियंस देकर गई है कि हमें मतलब रैम वॉक करनी कैसे है, कैमरा फेस कैसे करना है, एटीट्यूड कैसे दिखाना है, बहुत काफ़ी चीज़ें सिखा कर गई हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अब हमारा जो फाइनलिस्ट सिलेक्शन होने वाला है थ्रू जजेस, तुषार सिलावट सर, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, मैं एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। अब जब आएंगे मैं मिलूँगा, एक और इंटरव्यू आपके सामने करूँगा। थैंक यू सो मच। ओके डन, थैंक यू। अभी तक हमने काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यू ले लिए, उनसे बातचीत कर ली। आइए देखते हैं थोड़े पेरेंट्स के पेरेंट्स को यहाँ पर कैसे लग रहा है। हाय सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष भटनागर है। मेरा नाम ललिता देवी है। गीता। गोपाल। मेरा नाम सविता है। मेरा नाम शमशाद है। जैसी भी है। तो मैम, आपको जो अकोमोडेशन दे रहा है सेलिब्रिटी फेस, हर जगह प्रॉपर मील प्रोवाइड कर रहा है, एयर कंडीशन जगह प्रोवाइड कर रहा है, आपको इस चीज़ का अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद करूँगी, सभी मैमों को और सभी को, मतलब जो भी वर्कर हैं यहाँ पे,
उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत मतलब कि बहुत अच्छे से पेश आए और जो भी है बहुत प्यार दिया उन्होंने हमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पानी से लेकर खाने तक हम लोगों का सबका बहुत प्यार से ध्यान रखा है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप जैसे खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही है, अगर आपको खुद पता चला है। और जैसा आपने खुद बोला ना कि अभी हमें दोबारा बुलाया गया, तो सेलिब्रिटी फेस यही करता है, आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बार 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 प्रोवाइड कराएगा ताकि आपका जो बच्चा है वो टॉप पे पहुंचे। मेरे सभी बच्चों के लिए दिल से दुआएं हैं कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ हमें सीख कर जाएं, एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो आगे बढ़े। देखिए मेरा ये मानना है कि साथ विनर होंगे, सभी विनर नहीं हो सकते, लेकिन एक हार के साथ भी एक जीत होती है, तो वो जीत हम यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है, सबसे मिलकर अपनापन लग रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया, और हमारा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा बेटा है अमन भटनागर, जो कि यहाँ काफी उसने मेहनत करी और मेहनत का फल भी मिला उसको। एक्चुअली यहाँ पे आपको है कौन, बेटा या बेटी? बेटा है। बेटा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका बेटा कितनी आगे जाएगा? बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। फुली कॉन्फिडेंट? हाँ, फुल कॉन्फिडेंट। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो सेलिब्रिटी फेस आपको यहाँ पे रहने का सुख दे रहा है? बहुत सुख दिया है। खाना अच्छा है? सब बहुत अच्छा है। एसी वीसी? बहुत सेवा किया हमारी, बहुत सेवा करा। हाँ, बहुत सेवा। तो आप खुश हैं सेलिब्रिटी फेस? बहुत खुश है जी। हाँ, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो मैं हमारी कह रही कि सबका धन्यवाद और मैम का आशीर्वाद उनके बेटे के साथ साथ हर किसी के साथ, हर बच्चे के साथ मेरा आशीर्वाद है, सब बच्चे जीत जाए। सब मैम के हिसाब से सब बच्चे जीत जाए, सब बच्चे जीत जाए, सब आशा करके आए सब जीत जाए ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बने रहिए हमारे साथ और लेट्स सी क्या होता है, स्टे ट्यून। ये जो पतला सा लक तेरा करता कमाल, तेरी मम्मी जी ने तुझे क्या खिलाया, पहले ही शहर में गर्म बढ़ी है और आपने आके तापमान बढ़ाया। चोरियां तो देख ली बतेरी, उनमें न बात जो बात यो लेरी, मैं लौंडा कमाल यो भाव न देरी, पूरे टाउन में से टक्करेज है, ये छोरी घनी तेज है, ये छोरी घनी तेज है, तेज है, तेज है, ये छोरी घनी तेज है, घनी तेज है, तेज है, तेज है, ये छोरी घनी तेज है, तेज है। तेरे गाल बालों का रंग भूरा, बाकी क्वार्टर तू खंबा है पूरा, मम्मी का सम झूठ ना बोलू मैडम, तू है आउटलेट ये बाकी सारी कूड़ा, एक तू एक ये ना करे हाई फाई, उस पे चांद लगाए ना करे ये हाई हाई, ऑन डे जैसे मोबाइल डेटा, इनकी लिमिट में लिमिट लेस जैसे वाईफाई, आंखों में डाल मस्कारा, दतल कर डाला टाउन का किया बुरा हाल, पहले तो करती इशारे आगे बढ़ो तो फिर करती कलेश है, तेज है, तेज है, ये छोरी घनी तेज है, तेज है,